एक बड़ी अच्छी कहानी है और बेहद आपको रुचिकर भी लगेगी कि कहानी का टाइटल है, लोग कहते हैं कि कहावत है कि इंडस्ट्री इज रिवार्डेड एंड ग्रीडीनेस इज पनिश्ड। इसका मतलब है कि परिश्रम करने वाले को पुरस्कृत किया जाता है और जो निठल्ला रहता है, यूं ही बैठा रहता है, उसे सजा मिलती है। लेकिन ये कहानी ठीक अपोजिट चली जाती है और समझते हैं ऐसी ही एक बात को। तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि सारी जिंदगी उन्होंने ऐशो आराम की और मरते दम तक भी वो ऐशो आराम करते हैं। पता नहीं गाड़ू ने कहाँ से पैसा देता है, किस तरीके से देता है। तो ऐसी ही एक कहानी है दो भाइयों की। एक का नाम है टॉम राम जी, हिंदी में लिखता हूँ आपको समझ में आए, टॉम राम जी। और एक का नाम है जॉर्ज राम जी, जॉर्ज राम जी। लिख देता हूं कि थोड़ा आसानी से समझ में, बड़ी आनंद आने वाला है। आप एक बार सुन करके देखें, धैर्य बनाए रखें और वीडियो को पूरा देखें। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे कुछ ना कुछ मिलेगा, भी समझ में आएगी। तो टॉम राम जी जो है छोटा भाई है और जॉर्ज राम जी बड़ा भाई है, बड़ा भाई है। टॉम राम जी छोटा भाई और जॉर्ज राम जी बड़ा भाई, ठीक है। तो टॉम राम जी जो है काफी सुंदर है, ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है। जॉर्ज राम जी भी हालांकि सुंदर है, लेकिन आपको पता है कि जो लोग मेंटली या फिजिकली ज्यादा वर्क करते हैं वो स्वास्थ्य अपना जल्दी खो देते हैं, और जो लोग ऐसो आराम में रहते हैं, यूं ही दिन गुजारते हैं, तो स्वास्थ्य उनका जल्दी नहीं खत्म होता है, थोड़ा मेंटेन बनाए रखते हैं। तो ये भाई थोड़ा दिखने में ज्यादा सुंदर है, अट्रैक्टिव है, फ्रेंडशिप आसानी से कर लेता है, दोस्तों को मित्र आसानी से बना लेता है। और टॉम राम जॉर्ज राम जी जो है एक पेशे से जो है एक लायर है, वकील है, और इसके दो पुत्रियां हैं और ये पेशे से वकील है। तो ये सोचता है कि मेरा भाई भी कहीं अच्छी जगह सेटलमेंट हो जाए, जिससे वो आगे की जिंदगी जो है आसानी से गुजार सके। शादी कर दी जॉर्ज टॉम राम जी की इसने और सुखपूर्वक रह रहा। एक दिन टॉम राम जी क्या करता है, टॉम राम जी जो है अपने भाई को बता देता है, भाई से कह देता है कि मैं आज अपनी पत्नी को छोड़ देता हूं और मुझसे इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करेगा, ना कोई पूछेगा कि आपने जो है अपनी पत्नी को क्यों छोड़ दिया। मैं यूं ही छोड़ रहा हूं, विदाउट रीजन मैं यूं ही छोड़ रहा हूं, मैं इस जिंदगी से ऊब गया हूं, मैं ऐसो आराम करना चाहता हूँ, मौज लेना चाहता हूँ। तो ये जो है अपनी पत्नी को, टॉम राम जी अपनी पत्नी को छोड़ देता है और गलियों में भटकने लगता है, घूमने लगता है। जब तक इसके पास पैसा होता है आराम से शराब पीता है, डांस पार्टियों में डांस करता जा करके है, लोगों को आसानी से दोस्त बना लेता है, और जिससे भी दोस्त बनाए उसे थोड़े दिनों तक दोस्ती रखी, पैसा ऐंठा और दोस्ती खत्म, फिर नया दोस्त बना लिया। इसका यही काम है। धीरे धीरे क्या होते हैं, धीरे 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 टॉम राम जी के कारनामे जॉर्ज राम जी तक पहुंचने लगते हैं। जॉर्ज राम जी अपना सर पकड़ लेता है और बहुत सोचता है कि मेरा भाई किसी ना किसी प्रकार से सेटलमेंट हो जाए। तो ये अपने टॉम राम जी भाई को बुलाता है और कहता है, मैं आइए थोड़े में आपको पैसे दे देता हूँ, और क्यों ना आप एक नई जिंदगी शुरुआत करें, मैं आपको एक बिजनेस के लिए कुछ रुपए दे देता हूँ। और जो है जॉर्ज राम जी टॉम राम जी को बिजनेस के लिए कुछ रुपए दे देता है। हालांकि ये महीने भर, मुश्किल से एक महीने भर बिजनेस करता है। आप समझते जाइए कि क्या होने वाला है। देखिए, एक महीने भर बिजनेस करता है, मुश्किल से एक महीने बिजनेस चलाता है और सब पैसा यूं ही उड़ा देता है, और फिर जो है चला जाता है टैक्सी का काम करने लगता है, ड्राइविंग करने लगता है। अब जॉर्ज रामी को और बुरा लगता है, क्योंकि एक रिस्पेक्टेबल लायर का भाई किसी ड्राइविंग सीट पर बैठे उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और फिर इसे एक बार और मौका देता है कि आइए मैं एक बार और आपको तो कुछ पैसे दे देता हूँ, और जिससे आप जो है अपना बिजनेस शुरू कर सके। फिर जॉर्ज राम जी फिर टॉम राम जी आसानी से पैसे ले लेता है, क्योंकि भाई आसानी से दे रहा है, आसानी से पैसे ले लेता है और दोबारा बिजनेस शुरू करता है। फिर बिजनेस में भाई एक दो महीने चलाया, फिर उसने खत्म कर दिया है। अब क्या करता है कि अब पैसे धीरे धीरे दोस्त जो भी बनाए थे वो भी उनसे भी रिश्ते खराब हो चुके हैं, कोई भी ऐसा नहीं बचा जो पैसे दे। अब क्या करता है, एक क्रांसा नाम के व्यक्ति को बुलाते सलाह करता है और उससे कहता है कि आइए हम दोनों लोग आपस में झगड़ते हैं। कौन झगड़ेगा, टॉम राम जी और क्रांसा दोनों लोग आपस में झगड़ते हैं और कहता है कि तुम मेरे ऊपर मुकदमा कर दीजिए और जो है इसको पुलिस स्टेशन ले जाइए, इस मेरे मेरे विरुद्ध जो है आप FIR पुलिस स्टेशन में करा दीजिए, और मेरा भाई जो है मुझे
छुटाने छुड़ाने के लिए जरूर आएगा और इसके बदले में आप उससे 50,000 रुपये मांगना। वही ठीक प्लान के मुताबिक होता है और जो है इससे जो है दोनों लोग आपस में झगड़ते हैं। क्रांसा उस मामले को पुलिस स्टेशन ले जाता है, भाई को जॉर्ज रामजी को पता चलता है कि अब टाम रामजी जेल जाने वाला है और किसी न किसी प्रकार से मामले को निपटाया जाए। जॉर्ज रामजी दौड़ता दौड़ता जाता है और टाम रामजी के पास जाता है और टाम रामजी से पूछता है और उससे भी क्रांसा से भी पूछता है। तो क्रांसा बताता है कि मुझे इस मामले को निपटाने के लिए 50,000 रुपयों की जरूरत है। जॉर्ज रामजी जो है 50,000 रुपये उसे किसी न किसी प्रकार से दे देता है। जॉर्ज रामजी ने 50,000 रुपये टाम रामजी को दे दिए, जॉर्ज रामजी को दे दिए और मामला जो है खत्म हो जाता है। वो कोर्ट केस या जो भी FIR करना बंद कर देता है, खत्म कर देता है मामले को। पता चलता है कि थोड़ी ही देर बाद दोनों लोग जो है मोंटी कार्लो एक जगह का नाम है वहां चले जाते हैं और दोनों लोग आराम से जो है जुआ खेलते जा करके। तो कहने का मतलब धीरे 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 टॉम रामजी की इतने ज्यादा रिकॉर्ड खराब हो गए कि अब कहीं भी उसे पैसे ऐसे नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन जितनी भी इसने जिंदगी जी है वो टोटल लग्जरियस जिंदगी जी है। सुंदर सुंदर लड़कियों से प्रेम का नाटक करना, प्यार करना और अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क में रहना। हालांकि जितनी भी इसने जिंदगी जी वो टोटल ऐसो आराम से जी। ये जो है 35 साल का रियल इसकी उम्र है और इसकी उम्र है 40 साल की, तो रियल दोनों की उम्र है। अब ये 40 साल वाला जो है 45 साल का दिखता है और 35 साल वाला 30 ईयर का दिखता है, क्योंकि इसने जिंदगी में कभी वर्क ही नहीं किया है तो इसे ऐसो आराम की। अब इसी पार्ट से हम एक कहानी, एक वो कोटेशन सीखते हैं कि एक idiom से सीखते हैं कि एवरी फैमिली हैज ए ब्लैक sheep। हर परिवार में एक काली भेड़ होती है। काली भेड़ का मतलब है कि हर परिवार में एक ना एक निकम्मा होता है, एक ना एक बदनाम व्यक्ति होता है जो पूरे परिवार को बदनाम करता रहता है। आप भी सोच कर देखिए, कोई ना कोई होगा। तो बात यह है कि ये 30 साल का है और ये जो है कितनी साल का दिखता है, 45 साल का दिखता है और 30 साल का दिखता है, इसलिए इसे दोस्ती बन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब क्या होता है, जॉर्ज रामजी सर पकड़ लेता है कि क्या होगा बुढ़ापे में, इसका बुढ़ापे में क्या होगा जब मेरे पास, तो मैं जब अपने लॉयर का ये वकील का काम जो है मैं खत्म करूंगा तो मेरे पास जो 30,000 पौंड होंगे, क्योंकि वहां की मुद्रा है। तो 30,000 या ऐसे मान लीजिए 30,000 मेरे पास, या कुछ भी रुपया मान लीजिए 30,000 मेरे पास रुपए होंगे। लेकिन और एक छोटा सा मेरे पास बगीचा होगा, मैं उसमें आराम से गोल्फ खेला करूंगा और ये इसका क्या होगा, ना तो इसके पत्नी है ना कुछ है, इसे कौन पानी देगा, कौन क्या होगा। अब कुछ ही महीनों के बाद पता चलता है कि टॉम रामजी ने लंदन जा करके एक 70 साल की बुढ़िया से शादी कर ली। टॉम रामजी ने 70 साल की बुढ़िया से शादी की जा करके और वो पता चला कि 1 या 2 महीने के बाद बुढ़िया की डेथ हो गई और बुढ़िया मरते 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 जो है टॉम के लिए एक घर छोड़ के चली गई और 2,00,000 पौंड वहाँ इसके लिए जो है छोड़ करके चली गई। अब इतना सारी जिंदगी जॉर्ज रामजी ने जितना भी धन कमाया उससे कहीं इसके पास 10 गुना ज़्यादा धन और एक नाव छोड़ कर चली गई, जो बहुत बड़ी नाव होती समुद्र में चलती है, नाव छोड़ के चली गई, एक लंदन में घर छोड़ करके गई, एक गांव में घर छोड़ करके गई और इतना बैंक बैलेंस छोड़ करके गई। तो आप सोचिए जरा इस पे सोच गौर करके देखिए कि सारी जिंदगी टॉम रामजी ने ऐसो आराम की और लास्ट में भी बुढ़ापे में भी उसे ऐसो आराम करने के लिए कहीं ना कहीं से धन मिला। तो एक कहानी उस कोटेशन के, उस कहावत के विपरीत चली जाती है कि इंडस्ट्री इज रिवार्डेड एंड गिडीनेस इज पनिश्ड, कि जो परिश्रम करता है उसे पुरस्कृत किया जाता है और जो निठल्ला रहता है उसे सजा मिलती है, क्योंकि इसने तो बुढ़ापे में भी आराम की। धन्यवाद।